प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। तीन चरणों में बनेगा बनखंडी चिड़ियाघर, कांगड़ा में मील पत्थर साबित होगी परियोजना। कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों का जनता लोकसभा चुनाव में देगी करारा जवाब। चुनाव हारने पर कभी जातीय जनगणना तो कभी क्षेत्रवाद की बात करती है कांग्रेस। शिमला के कोटखाई में सिलेंडर फटा, एसडीएम घायल, अब हालत खतरे से बाहर। सड़क से गायब होंगे 15 साल पूरे कर चुके वाहन, पीडब्ल्यूडी ने दिया 275 नई गाड़ियों का ऑर्डर। कुल्लू में राज्य स्तरीय टैलेंट सर्च प्रोग्राम, लालपाल कंपटीशन में मंडी जिला प्रदेश भर में रहा प्रथम। पहली जनवरी को ब्लैक डे मनाएंगे पूर्व सैनिक, ओआरओपी विसंगतियों को लेकर लिया फैसला। प्रदेश में बिगड़ेगा मौसम, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में गिरेगी बर्फ, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी की बात कही है। इसके साथ ही बनखंडी में 619 करोड़ से तीन चरणों में चिड़ियाघर के निर्माण की बात भी कही जा रही है। सीएम सुक्खू के अनुसार इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने में बनखंडी चिड़ियाघर परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा के देहरा उपमंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक अत्याधुनिक वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना तीन चरणों में विकसित की जाएगी। दिसंबर 2024 तक इसके पहले चरण को कार्यशील करने की योजना है। इस प्राणी उद्यान में पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का सफल कार्यान्वयन प्रधान मुख्य वन्य अरण्यपाल वन्य जीव और मुख्य वन्य जीव वार्डन के नेतृत्व में एक संचालन समिति सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से इस प्राणी उद्यान के डिजाइन में क्षेत्र की विविध पर्यटन क्षमताओं का समावेश किया गया है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी बनाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। प्राणी उद्यान पार्क का मास्टर लेआउट प्लान और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि भाजपा लोकसभा की चारों सीटें रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को झूठी गारंटियों के नाम पर ठगा है और इसका जवाब अब जनता लोकसभा चुनावों में देगी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। झूठी गारंटियों के बूते सत्ता में आई कांग्रेस सरकार को जनता लोकसभा चुनावों में करारा जवाब देने के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा रिकॉर्ड मार्जिन से चारों सीटें जीतेगी। जयराम ठाकुर शुक्रवार को नालागढ़ में नगर निकायों के पार्षदों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए जयराम ठाकुर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि जनता के साथ साथ खुद कांग्रेस जन प्रदेश सरकार से खफा है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, त्रिलोक कपूर, डॉक्टर राजीव सैजल सहित अन्य मौजूद रहे। और जब सरकार बनती है तो सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। और एक एक साल से संस्थान चले हुए थे जो बंद किए गए। और इसके अलावा जहां हिमाचल प्रदेश में बहुत शोर डाल करके जोर से एक ही बात कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऋण लिया, और ऐसे कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने जब 2017 में जब सत्ता से बाहर हुए कि वो हमको ऐसा नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गए थे, जैसे ऋण पहले भी लेती रही सरकारें और ऋण आज भी ले रही हैं, और ऋण आने वाले समय में भी हिमाचल की जो आर्थिक परिस्थिति है उसके मुताबिक लेना ही पड़ेगा। और खुद तब बोले जब खुद वो काम नहीं कर रहे। अगर ऋण खुद नहीं ले रहे होते तो भी समझ में आता। 12 महीने में हिमाचल प्रदेश में आज तक के
इतिहास का सबसे तेज रफ्तार से लोन लेने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। डाबर आमला हेयर ऑयल प्रेजेंट्स दिव्य हिमाचल डांस हिमाचल डांस सीजन 9 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। विजेताओं को नकद पुरस्कारों के साथ साथ टीवीएस जुपिटर 110 सीसी स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला। ऑडिशन के बाद अब होंगे सेमीफाइनल्स हमीरपुर के बसंत रिसोर्ट में 1 और 2 जनवरी 2024 को। अधिक जानकारी के लिए आज ही दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस को फॉलो और लाइक करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद टीवीएस जुपिटर ज्यादा का फायदा मास्टर हेल्थ केयर रेडियो पार्टनर बिग FM धुन बदल के तो देखो। बिलासपुर के झंडूता पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर खूब तंज कसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव हारने पर कांग्रेस कई बहाने बनाती है और भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगाती है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। सुनिए क्या बोले अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस जब हारती है तो कभी जातीय जनगणना तो कभी क्षेत्रवाद की बात करती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा ही विकास विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी विकास के मुद्दे पर नहीं आई। कांग्रेस कभी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों के चलते भाजपा को 3 राज्यों में रिकॉर्ड जीत मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक गरीब जनता से अन्याय ही किया है। दूसरी ओर मोदी सरकार ने गरीब जनता को न्याय के साथ ही सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं। करीब 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अलावा संगठन की बैठक में भी शिरकत की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के काम किसी से छिपे नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आम जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सरकार को जनता के द्वारा ले जाने का कार्य किया है। देखिए, जो इंडी गठबंधन में आपस में ही न्याय न कर पा रहे हो, सीटों पे तालमेल ना हो, जहाँ पर अधिकतर उनके नेता गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में या जेल में या बेल पर हैं, वो न्याय क्या दिलाएंगे। संकल्प यात्रा ये देश के कोने कोने में देश के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत भी करवा रही है, ना केवल जानकारी बल्कि सुविधाएं। जो लोग वंचित रह गए थे वो अपने फॉर्म भी भर रहे हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, आवास योजना हो, आपका आधार कार्ड हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। ये पहली बार हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के द्वार अपनी सरकार को ले जाने का काम किया, अपनी योजनाओं को ले जाने का काम किया। लाखों लोगों को इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में लाभ मिल चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। कई दिनों से देश के विभिन्न राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में 15 साल पूरे कर चुके वाहनों को हटाने की बात हो रही है। ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग ने इस मुहिम की ओर कदम बढ़ाते हुए 275 वाहनों की सूची तैयार की है जो 15 साल पुराने हैं। इनकी जगह नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। PWD में 15 साल पूरी कर चुकी मशीनरी अब सड़क पर नजर नहीं आएगी। विभाग ने प्रदेश भर से 275 ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार की है जो अब तक इस अवधि को पूरा कर चुके हैं। इन वाहनों की जगह नई खरीद विभाग कर रहा है और इसके लिए 60 करोड़ 72 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। विभाग जेम पोर्टल पर वाहनों की खरीद कर रहा है और पहली लिस्ट में 136 वाहनों की खरीद पूरी की जा रही है। इनमें से पहली डिलीवरी में 46 वाहन विभाग को मिल चुके हैं। विभाग ने पहले चरण में जिन वाहनों की खरीदने का फैसला किया है उनमें 14 लोडर, 96 टिप्पर, 24 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और 2 ट्रैक एक्सक्वेक्टर शामिल हैं। इनमें से जिन 46 वाहनों की डिलीवरी विभाग को मिल चुकी है उनमें
14 लोडर, 15 टिप्पर, 15 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और 2 ट्रैक एक्सकवेटर शामिल हैं। विभाग इन मशीनों को अब जरूरत वाली जगहों में भेज रहा है। बर्फबारी से पहले विभाग ने मशीनों को स्थापित करने की तैयारी की है। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी ने प्रदेश भर में 15 साल की अवधि पूरी कर चुकी मशीनों और भारी वाहनों को न चलाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद जो पहली सूची तैयार की गई थी, नए वाहनों की खरीद के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि बीते 11 महीनों से वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे में यूनाइट फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने प्रदेश सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। लगातार 11 महीनों से हकों की मांग कर रहे पूर्व सैनिक अब 1 जनवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों का समाधान न होना है। अपनी चिरलंबित इसी मांग को लेकर प्रदेश के पूर्व सैनिक शुक्रवार को हमीरपुर में एकजुट हुए तथा आगामी संघर्ष की रणनीति तैयार की। इस मीटिंग में पूर्व सैनिक अपने हकों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा दिखे। उन्होंने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। फरवरी 2023 से पूर्व सैनिक व वीर नारियां ORP 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब पूर्व सैनिकों के सब्र का बांध टूट चुका है। सरकार के खिलाफ जाने से भी पूर्व सैनिक कोई गुरेज नहीं करेंगे। सेवानिवृत्त कैप्टन जगदीश चंद वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश ने कहा कि उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा। ऐसे में संयुक्त मोर्चा एक्स सर्विसमैन ने तय किया है कि 1 जनवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में देश भर में पूर्व सैनिक रेल रोको आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। 1 तारीख को जो नया साल शुरू होगा उसमें ब्लैक डे ऑब्जर्व करना है, और उसके साथ ही उन्होंने कई जगहों में जो है 11 में बोल रहे थे, लेकिन पहले जो है अभी पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ट्रेन को अब्रप्ट करना है। उसके बारे में बताएंगे नहीं पहले, लेकिन ट्रेन सर्विसेज को सस्पेंड करना है ताकि गवर्नमेंट के पास जो है इस बात को पहुंचाया जाए कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो आज से कुछ समय पहले सरहदों की रक्षा कर रहे थे, आज जो हैं वो धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, कभी नारे लगा रहे हैं, कभी ठंडी में इधर उधर घूम रहे हैं बुजुर्ग लोग हमारे, तो गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। प्रदेश में हुनर की कमी नहीं है। ऐसे ही हुनर को तलाशने के लिए समय समय पर टैलेंट सर्च प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसी तरह राज्य स्तरीय टैलेंट सर्च प्रोग्राम कुल्लू में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 96 प्रतिभागियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। जिला कुल्लू में राज्य स्तरीय टैलेंट सर्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षा के तहत यह कार्यक्रम किया गया। राज्य समग्र शिक्षा ने इसके सफल आयोजन का जिम्मा डाइट कुल्लू को सौंपा था। इस कार्यक्रम में 12 जिलों के 96 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुल्लू सुरजीत राव ने शिरकत की। इस दौरान मैड, स्कोर, लालपाल और इको ट्री विषयों पर प्रदेश भर से आए प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। लालपाल प्रतिस्पर्धा में मंडी से वैशाली, कुसुम, निशिता और निकिता प्रथम रही, जबकि मैड में सिरमौर से अदिति ठाकुर और प्रतिष्ठा पंवर ने बाजी मारी, जबकि स्कोर में शिमला से सोनिया प्रथम, इको ट्री में सोलन से खुशी शुभम प्रथम रहे। इसके अलावा लालपाल में कांगड़ा से गौरी शर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया। मैड में कांगड़ा से शाइना, कांगड़ा से सिया ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं स्कोर में सिरमौर में सुनील निरंकारी, सिरमौर से अरमन ने दूसरा स्थान, इको ट्री में हमीरपुर से वंशिका शर्मा, हमीरपुर से गीतिका ने दूसरा स्थान हासिल किया। लालपाल में बिलासपुर से तमन्ना और बिलासपुर से काकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि मैड में ऊना से वंशिका शर्मा ने तीसरा, स्कोर में कृतिका जरियाल, इको ट्री में कांगड़ा से हीना और केंजल ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रदेश में कई बार LPG सिलेंडर में आग लगने या सिलेंडर फटने जैसी घटनाएं पेश आती रहती हैं। ऐसा ही एक हादसा शिमला के कोटखाई में पेश आया है। यहां सिलेंडर में ब्लास्ट होने से SDM घायल हो गए हैं। वह यहां किराए के मकान में रहते थे। पेश है यह रिपोर्ट।
शिमला जिला के कोटखाई में एक एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में इलाके के एसडीएम अश्विनी कुमार शर्मा आंशिक रूप से झुलस गए। उन्हें हल्की चोटें आई हैं। उनका कोटखाई अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह घटना शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे एसडीएम अश्विनी कुमार शर्मा के आवास में सामने आई। अश्विनी कुमार शर्मा मूल रूप से सोलन जिला के बद्दी के रहने वाले हैं। वर्तमान में वह कोटखाई के एसडीएम हैं। जानकारी के मुताबिक कोटखाई बाजार में स्थित प्रताप जस्टा बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में अश्विनी कुमार शर्मा का किराए का आवास है। घटना के दौरान वह आवास में अकेले थे। तड़के करीब 3 बजे वह गर्म पानी पीने के लिए रसोई में गए और गैस चूल्हा चालू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर जलाया तो अचानक ब्लास्ट हुआ और पूरी रसोई में आग लग गई और उसके बाद पूरी मंजिल आग की चपेट में आ गई। साथ ही खिड़कियां और दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हो गए। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और एसडीएम को वहां से बाहर निकाला गया। पड़ोसियों ने रेगुलेटर पर गीला कपड़ा डालकर आग के साथ साथ गैस सिलेंडर पर भी नियंत्रण पा लिया। ठियोग के डीएसपी सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि हादसे में एसडीएम अश्विनी कुमार शर्मा को मामूली चोटें आई हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर है। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला, ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावनाएं जताई हैं। इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। ऐसे में शिमला, कल्पा, काजा और कुल्लू केलांग मार्ग पर सफर करने वालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की मुराद दिसंबर के आखिरी 2 दिन में पूरी हो सकती है। हालांकि बर्फबारी की यह संभावना अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा रहेगी और बर्फ देखने के लिए पर्यटकों को पहाड़ों का रुख करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे तक बर्फबारी और खराब मौसम की बात कही है। मौसम विभाग ने शनिवार से बदलाव की संभावना जताई है। शनिवार को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इससे प्रदेश के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम विभाग ने शिमला, कल्पा, काजा और कुल्लू के लांग मार्ग पर सफर करने वाले वाहन चालकों को हल्की बर्फबारी और मौसम खराब से सतर्क रहने की सलाह दी है। इन मार्गों पर बर्फबारी और हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट आई है। इस समय भूंतर, कल्पा और केलांग में तापमान 0 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यहां कुछ एक इलाकों में पानी जमना शुरू हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने इन जगहों पर पर्यटकों और दूसरे वाहन चालकों को देर रात और तड़के सफर करने से बचने की सलाह दी है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। स्पीति में वाहनों से ली जाएगी ऐसे डीए डेवलपमेंट फीस। 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी नई व्यवस्था। शुल्क न चुकाने वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस थाना भोरंज के तहत चाहम मोड़ पर पुलिस ने एक गाड़ी से पकड़ी नशे की बड़ी खेप। नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से 5 किलोग्राम 22 ग्राम चरस बरामद। स्वारघाट से बाइक चोरी व डडवाल में महिला से हुई स्नैचिंग के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 2 लोगों ने महिला से कान की बालियां पर्स और मोबाइल फोन छीनने की बात भी कबूली। नगर पंचायत कंडाघाट के सिलहारी वार्ड के समीप ग्राम पंचायत कोर्ट में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।